मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास ऑफ स्टैंडर्ड 6. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर टू एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल. दिस इज द टॉपिक. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, ऑल ऑफ यू how to take out your textbook and classwork copy. So the things which will happen in coming 5 minutes, in that 5 minutes you will able to know about the types of angles. Means aane wale 5 minute mein aap angles ke types समझ जाओगे. तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. सो स्टूडेंट्स, लुक हियर ऑन द बोर्ड. जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल. हियर 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो वी विल नो अबाउट इट वन बाय वन. एक एक करके हम सबको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, सबसे पहले जीरो एंगल. दिस इज द जीरो एंगल. जब आप इसे देखते हो, हियर दिस इज द प्रोटेक्टर. यहां जीरो होता है. जब एंगल इस तरह से यही पर कंप्लीट होता है, मींस जीरो से ऊपर आता ही नहीं, उसे कहते हैं हम जीरो एंगल. सो नेक्स्ट इज अक्यूट एंगल. विच एंगल? अक्यूट एंगल. दिस इज अक्यूट एंगल, एंगल ए बी सी. सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अक्यूट एंगल? Yes, this acute angle is less than 90 degree. जो 90 degree से कम होता है, उस angle को हम acute angle कहते हैं. उसके बाद है right angle. Yes students, can you tell me about right angle? Yes, right angle is always of 90 degree. राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है. इस तरह से 90 डिग्री कैसा है? ये 90 डिग्री. जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल. देन वी विल मूव फॉर फोर्थ वन, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री. जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जो 90 डिग्री से, दिस इज 90 डिग्री. इफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, देन दैट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसे कहेंगे हम अक्यूट एंगल, और अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल. देन नेक्स्ट एंगल इज स्ट्रेट एंगल. दिस इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का. मीन्स दिस इज ऑफ 90 डिग्री, देन दिस एंगल गोज लाइक दिस, स्ट्रेट इन दिस वे. इट मूव्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, इस तरह से ये स्ट्रेट हो जाता है. इसलिए हम इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल. क्या कहते हैं इसे हम? स्ट्रेट एंगल. और जब ये ऐसा पूरी तरह से कंप्लीट होता है, उसे कहते हैं हम जीरो एंगल. ये है जीरो एंगल, और ये है विच एंगल? दिस इज स्ट्रेट एंगल. देन रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज स्ट्रेट एंगल. स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब कोई भी एंगल इस तरह से, ये 90 हो गया,
ये मोर देन 90 हो गया, ये 90 मींस राइट एंगल, ये मोर देन 90 मींस ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट के भी नीचे चला जाता है इस तरह से, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जब कोई भी एंगल इस तरह से स्ट्रेट होकर उसके भी नीचे चला जाता है तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। यस, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट लास्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे? जब ये एंगल पूरा घूमकर इस तरह से यहां वापस आ जाता है। किस तरह से? यहां से पूरा 90, मोर देन 90 स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंड देन दिस एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। एंड कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल? 360 डिग्री का होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा। कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स है? टोटल 7 टाइप्स है, और 7 टाइप्स में आपको ये सभी टाइप्स क्लास वर्क कॉपी में बनाना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी किसी को कोई तकलीफ समस्या होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर सीधा कॉल करें मेरे नंबर पर, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।